वेलकम टू द चैनल। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लोकेशन को बैकग्राउंड मोड में कैसे अपडेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसका कोड पहले से किया हुआ है, अपन इस कोड को समझेंगे, इससे अपना थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला काम आपको करना है, जब भी आप लोकेशन से रिलेटेड काम करते हो, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट के रूट पे जाना है। रूट पे जाने के बाद आपको इन्फो प्लेलिस्ट के अंदर कुछ कीज़ ऐड करनी होती है। मैं एक्सकोड 13 यूज़ कर रहा हूँ। एक्सकोड 13 के अंदर आप यहाँ पे जो बाहर इन्फो प्लेलिस्ट दी हुई होगी हायरार्की के अंदर, उसमें आपको डेटा नहीं मिलेगा, कीज़ नहीं मिलेगी। तो आप इसको अंदर जा कर के सेट करें, उनके रूट पर जाएँ, आपको यहाँ पर इन्फो टैब दिखेगा, टारगेट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको इन्फो टैब दिखेगा। इस इन्फो टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो कीज़ ऐड करनी है। पहली है प्राइवेसी लोकेशन व्हेन इन यूजेस डिस्क्रिप्शन, और दूसरी है प्राइवेसी लोकेशन ऑलवेज एंड व्हेन इन यूजेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनके साथ आपको मैसेज भी दिखाना है। मैसेज आपको स्ट्रिंग में पूरा प्रॉपर लिखना है। अभी मैंने यहाँ पे एज अ डमी दिखा रहा हूँ, तो मैंने नॉर्मल सा मैसेज दे दिया है। इसके कारण कई बार ऐप रिजेक्ट हो जाती है ऐप स्टोर से, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर मैसेज दिखाना है। ये बेसिकली मैसेज आपको तब दिखता है जब आपकी रिक्वेस्ट आप करते हो, यूज़र को परमिशन मांगते हो उससे कि भाई आप एप्लीकेशन अलाउ करो हमें लोकेशन एक्सेस करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा काम करना है वो आपको आना है स्टोरी बोर्ड पर। स्टोरी बोर्ड पर आपको एक व्यू कंट्रोलर लेना है, उसके अंदर आपको मैप व्यू ले लेना है। अभी बेसिकली मैंने मैप व्यू सिर्फ मैप दिखाने के वास्ते काम में लिया है, इसमें कोई भी काम नहीं आ रहा है मैप व्यू का। आप चाहो तो इसको नहीं लो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अपन को अपनी केवल करंट लोकेशन से काम है। ठीक है, अब आप ऐप व्यू कंट्रोलर के अंदर आओगे, करंट लोकेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैप व्यू यूज़ में लिया है, तो मैं यहाँ पर मैप किट फ्रेमवर्क यूज़ में ले रहा हूँ, उसको इम्पोर्ट करना है। कोर लोकेशन आपके करंट लोकेशन के लिए यूज़ में आता है, और यूज़र नोटिफिकेशंस आपके लोकल नोटिफिकेशंस के लिए काम में आते हैं। मैं यहाँ पर जब अपनी एप्लीकेशन बैकग्राउंड होगी तो लोकल नोटिफिकेशन फायर करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी एप्लीकेशन बैकग्राउंड मोड में भी लोकेशन को अपडेट कर रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने जगह हुआ यहाँ पर एक मैथ्यू का आउटलेट बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, UN यूज़र नोटिफिकेशन सेंटर डॉट करंट करके, और फिर मैंने CL लोकेशन मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी है कम, और यहीं पे मैं सब कैलकुलेशन कर रहा हूँ मेरी, मुझे क्या क्या डेटा सेट करना है मेरे लोकेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने इसको लेजी ले रखा है, नहीं जब मैं इसको यूज में लूँगा उसी टाइम इसको मेमोरी एलोकेट होगी। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। CL लोकेशन मैनेजर जब आप लोगे और आपको बैकग्राउंड टास्क अपडेट करवाना है लोकेशन का, तो इसमें ये दो कीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अलाउ बैकग्राउंड लोकेशन अपडेट, इसको आपको ट्रू रखना है, और पोज लोकेशन अपडेट्स ऑटोमेटिकली, इसको आपको फॉल्स रखना है। अगर आप ये दो कीज़ यूज़ में नहीं लेते हो तो आपकी लोकेशन बैकग्राउंड मोड में अपडेट नहीं होगी। उसके अलावा जो मैंने ले रखा है डिज़ायर एक्यूरेसी है, डेलीगेट अपन ने सेट कर दिया है, रिक्वेस्ट ऑलवेज ऑथोराइजेशन, ये अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये यूज़र से परमिशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूज़र से कि भाई आप हमें परमिशन दे दो, तो वो जो अलर्ट बॉक्स दिखेगा वो इससे दिखेगा। डाउनलोड पर आते ही मैंने लोकेशन मैनेजर को स्टार्ट कर दिया अपडेटिंग लोकेशन। सही अपडेट तभी होगा जब यूज़र ने इसको परमिशन ग्रांट कर दी है। इसका अपन ने डेलीगेट मेथड लगाया था लोकेशन का, वो मैंने नीचे सेट किया है, CL लोकेशन मैनेजर डेलीगेट। इसके अंदर मैंने जो मेथड ले रखा है वो है डिड अपडेट लोकेशन। जब भी आपकी लोकेशन अपडेट होती है ये वाला मेथड फायर होता है। ठीक है, ये वाला मेथड कॉल होता है। इस मेथड के अंदर आपको लोकेशंस मिलती है, लोकेशंस में सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एरर होता है तो इसका सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपकी जो सबसे अपडेटेड लोकेशन होती है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही काम किया हुआ है। इसके अंदर मैंने चेक कराया हुआ है
अगर मेरी जो लोकेशन डॉट लास्ट है ये आपको मिलता है तो ये मोस्ट रिसेंट लोकेशन के अंदर मैंने डाल दिया। इस मोस्ट रिसेंट लोकेशन को मैं शो करवाऊँगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक करा ली है कि मेरी एप्लीकेशन स्टेट जो है वो एक्टिव है, तो ये फोरग्राउंड में है, और यहाँ पे मैंने मोस्ट रिसेंट लोकेशन शो करवा दी। और अगर एक्टिव मोड में नहीं है तो ये मेरी एप्लीकेशन, मैंने इसको बैकग्राउंड में डाल दिया, और ये यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन फायर करवाया। ठीक है, ये अभी अपन थोड़ी देर में देखते हैं। और ये आपको मोस्ट रिसेंट इसके अंदर पास करवा दिया है मैसेज। अब आते हैं वापस से डिड लोड पे। डिड लोड पे अपन ने ये लोकेशन स्टार्ट कर दी थी, इसके स्टार्ट होके आपका डिड मेथड, डिड अपडेट लोकेशन वाला मेथड कॉल होने लग जाएगा और वो चेक कर लेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन क्या है, आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, बैकग्राउंड में जो भी है उसके बेस पर आपको मैसेज दे देगा और आपकी लास्ट लोकेशन निकाल के आपको प्रोवाइड करा देगा। अब आते हैं नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशन यूज़ में लेना है, चाहे वो लोकल हो और चाहे रिमोट हो, जो अपन पुश नोटिफिकेशन यूज़ में लेते हैं, आपको यूज़र की परमिशन लेनी पड़ेगी। अपन ने यहाँ पे यूज़र की परमिशन ली है। ठीक है, इसके अंदर आपने ऑप्शन दिए हैं, एक अलर्ट आपको दिखाना है, एक साउंड आपको दिखाना है। ठीक है, ये आप नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, बट ये कस्टमाइजेबल है। आपको क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या डेटा पास करना है वो दिखाना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास दो वैल्यू रहेंगी, एक तो रिज़ल्ट और एक एरर। रिज़ल्ट आपकी बूल टाइप की होती है और एरर आपका एरर टाइप का होता ही है। यहाँ पर अपन ने कंडीशन चेक करा ली कि भाई अगर एरर है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये अपन यहाँ पे उसको प्रिंट करा करके डिबग कर लेंगे। और अगर एरर नहीं है तो रिज़ल्ट के अंदर ट्रू और फॉल्स आएगा, तो अगर ट्रू है तो मतलब ग्रांट कर दिया है यूज़र ने, नहीं तो नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद अपन ने एक मेथड बनाया अलर्ट फॉर अपडेटिंग लोकेशन। ये अपन बेसिकली एक मेथड बना दिया मैंने, जिसमें मैं आपका जो है लोकल नोटिफिकेशन शो करवाऊँगा। इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैसेज दिखाने के लिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंटेंट क्रिएट करते हैं लोकल नोटिफिकेशन का, कि उसके अंदर क्या क्या जाएगा, कैसा दिखेगा, क्या है क्या नहीं, जो भी है। उसके लिए अपन यू एन म्यूटेबल नोटिफिकेशन कंटेंट लेंगे। इस कंटेंट का अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसके अंदर टाइटल और बॉडी सेट कर दिए। टाइटल के अंदर मेरे पास ये रहेगा, बॉडी के अंदर मेरे पास ये जो मैसेज मैं पास करूँगा मेथड के अंदर वो शो हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। फिर अपन एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। रिक्वेस्ट केस जनरेट करेंगे यू एन नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट के थ्रू। इसके अंदर अपन बेसिकली आइडेंटिफायर पास करते हैं। आइडेंटिफायर कोई भी यूनिक नंबर होगा, तो ये मैंने UUID स्ट्रिंग करके मेथड कॉल करा दिया। इससे आपका जो है एक रैंडम यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग और कंटेंट के अंदर ये अपन ने कंटेंट बना ही लिया है। इस कंटेंट को अपन ने इसमें डाल दिया और ट्रिगर आपको मेल कर देना है, ऑप्शनल होता है। इसके बाद हम सेंटर को जो है ऐड कर देंगे, रिक्वेस्ट जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे सेंटर वाला नोटिफिकेशन का। ठीक है, इसको इसके अंदर ये रिक्वेस्ट डाल देंगे। आप जैसे आप इसको रिक्वेस्ट डाल देंगे तो इसके अंदर आपके पास वैल्यू आएगी एरर की। अगर एरर नील है इसका मतलब ये सक्सेस है, और अगर एरर नील नहीं है इसका मतलब ये फेलियर। ठीक है, तो चलिए इसको चला करके देखते हैं। आप एक बार वापस से ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली अपन ने क्या क्या है, ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लिए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है अभी अपने, वो है सबसे इम्पोर्टेंट कोर लोकेशन, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैप किट मैंने मैप दिखा रखा है इसलिए यूज़ में लिया है, और यूज़र नोटिफिकेशन अपन ने लोकल नोटिफिकेशन फायर कराया इसलिए लिया है। इनके ऑब्जेक्ट बना लिए, लोकेशन का ऑब्जेक्ट बना लिया है, नोटिफिकेशन का बना लिया है, और यहाँ पे ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, अलाउ बैकग्राउंड नोटिफिकेशन और पोज लोकेशन अपडेट ऑटोमेटिकली। इन दो का ध्यान रखें, अगर आप ये दो नहीं यूज़ में लेते हो तो ये आपकी अपडेट नहीं होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने स्टार्ट कर दिया अपडेटिंग लोकेशन। जैसे आप इसको अपडेट करोगे, आपकी ये लोकेशन मैनेजर डेलीगेट जो है इसका जो मेथड होगा डिड अपडेट लोकेशन वो कॉल होगा, और यहाँ पर अपन ने स्टेट चेक करा करके इसके अकॉर्डिंग मैसेज पास कर दिया। चलिए इसको चलाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है,
अपन ने यहाँ पे इन्फो की लिस्ट में वो मैसेजेस तो ऐड कर दिए थे, ठीक है, यहाँ से इन्फो टैब में, ठीक है, ये दो मैसेजेस अपन को ऐड करने थे, ये अपन ने ऐड कर दिए लोकेशन वाला, ठीक है, जो कि परमिशन मांगेगा यूज़र से। इसके साथ साथ अपन को साइन इन कैपेबिलिटीज़ में भी जाना होता है, और इसके अंदर आप कैपेबिलिटीज़ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे बैकग्राउंड मोड, ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। जैसे आपको बैकग्राउंड मोड यहाँ पे टाइप करते हो आपको दिख जाएगा, उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो चेक करना है वो है लोकेशन अपडेट्स, ठीक है, दिस इज़ कंपलसरी। अगर आप यहाँ पे लोकेशन अपडेट्स नहीं करते हो तो आपका ये काम नहीं करेगा, इसलिए आपको इसको टिक करना है। बैकग्राउंड फेच और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस, ठीक है, आप इसको अनचेक कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लोकेशन अपडेट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रन करके चेक करना है, इसको आप सिम्युलेटर में और डिवाइस दोनों के अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है, बिल अपनी सक्सेस हो गई है, अभी ये लोग आ रहे हैं, इनको तो हटा दो, यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे मेरे पास कोई भी परमिशन की रिक्वेस्ट नहीं आई है, क्योंकि ये मैंने पहले चलाया हुआ है तो मैंने ऑलरेडी इसको परमिशन दी हुई है। अगर मैं इसको डिलीट करके वापस चलाता हूँ तो परमिशन मांग लेगा, ठीक है, ये बेसिक है, आपको अलाउ करना है। अगर आप अलाउ करोगे उसके बाद ही आपकी लोकेशन जो है वो अपडेट होगी, अगर आप डिनाई कर देते हो तो लोकेशन अपडेट नहीं होगी। अब देखते हैं अपन यहाँ पे एक्सकोड में, यहाँ नीचे बॉटम बार पे आपको ये दिया हुआ है लोकेशन का, यहाँ से आपको चेक करना है लंदन इंग्लैंड। जैसे आप इसको क्लिक करते हो आपने देखा यहाँ पे लोड प्रिंट हो गया है, एप्लीकेशन इज़ इन फोरग्राउंड एंड लास्ट अपडेट लोकेशन इज दिस एंड दिस, ठीक है, तो डिलीट करते हैं। अब मैं जोन्स पर करता हूँ तो यहाँ पे भी लास्ट लोकेशन आपकी चेंज हो गई है। अब मैं एप्लीकेशन को जो है बैकग्राउंड मोड में डाल देता हूँ, आपकी अब एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में है। अब आपने लोकेशन अपडेट करनी है, सपोज मैं कर देता हूँ मुंबई इंडिया, जैसे मैं मुंबई इंडिया करता हूँ आपने देखा है यहाँ पे ये नोटिफिकेशन फायर हो गया है, ठीक है, लोकल नोटिफिकेशन, ये टाइटल अपना जो अपन ने दिया था और ये जो मैसेज अपन ने पास करवाया था, और यहाँ पे भी ये देखिए ये आ गया है नोटिफिकेशन फायर और एप्लीकेशन इज इन बैकग्राउंड। अब आपकी लोकेशन जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी आपका नोटिफिकेशन भी फायर होता जाएगा, ठीक है। लोकेशन नंबर 3 मॉस्को किया, रियो कर दिया, देन लोकेशन नंबर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपन ने नोटिफिकेशन भी फायर करवा दिया जब आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होती है लोकेशन अपडेट के साथ। तो ये था आज का वीडियो, जो कोड है इसका वो मैं गिट पे कमिट कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।